गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। इसमें आज हम एक टॉपिक करते हैं, जैसे ये एक टाइगर कब बना रखा है और इसका नाम है टिकी। कोई भी और नेम हो सकता है या कोई भी एनिमल बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको उनका आंसर पिक्चर को देख के आना चाहिए। तो कैसे हम उनको फिल करते हैं, फिलअप्स टाइप आ जाए या कैसे भी, जैसे ये टिकी है एक टाइगर का बच्चा। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट टिकी, इस टिकी के बारे में आपको कुछ सेंटेंस को पूरा करना है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 मंथ्स ओल्ड मतलब 4 महीने का, ऑरेंज, ब्लैक, लार्ज ब्लैक आइज, ए लॉन्ग टेल। तो जैसे नंबर 1 है, डैश इज़ ए टाइगर कब, यहाँ पे टाइगर कब कौन है, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, क्या नाम है इसका, टिकी। ये हमने फिल किया, ही इज़ डैश ओल्ड, कितने बड़ा है वो, तो ये ऑप्शन है 4 मंथ्स ओल्ड। यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे, 4 मंथ्स ओल्ड मतलब 4 महीने का है, 4 मंथ्स ओल्ड। इसके बाद ही हैज़ एन डैश बॉडी, अब यहाँ पे एन है तो इसका मतलब इसके बाद वोवल वर्ड है कोई, तो वोवल वर्ड इसमें कौन सा है, ऑरेंज। इसकी बॉडी कैसी है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर की है, विद डैश स्ट्रिप्स, और उसमें धारियाँ कैसे कलर की, स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ, ब्लैक कलर की, यानी कि ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। He has dash। इसके बाद हमारे पास 2 और ऑप्शन बचे हैं, ए लॉन्ग टेल, उसकी एक लंबी पूछ है, और लार्ज ब्लैक आइज। तो इनमें से आप कोई से को भी पहले भर सकते हैं, जैसे लार्ज ब्लैक आइज हमने पहले फिल कर दिया, उसकी बड़ी काली आँखें हैं, लार्ज ब्लैक आइज। उसके बाद ही हैज और उसकी ए लॉन्ग टेल, एक लंबी पूछ भी है। फिर उसके बाद है एवरीवन लव्स, हर कोई प्यार करता है किसको, टिकी को, एवरीवन लव्स टिकी। तो इस तरह से हमें अगर कोई भी पिक्चर दी जाए तो उससे रिलेटेड हम फिलअप्स या क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड मीनिंग की रिवीजन। AGENDA एजेंडा, एजेंडा मतलब बैठक वगैरह जो होती हैं, मीटिंग वगैरह, उनमें कोई भी विचार करने वाला विषय होता है, उनकी जो सूची कि कौन कौन से विषयों पे विचार किया जाएगा। APITAT एपिटेट मतलब किसी व्यक्ति की भावना को उभारना, मतलब कोई गुस्से में है या कैसे भी, मतलब उसको इमोशनल करना, उत्तेजित करना। AGGRESIVE एग्रेसिव, एग्रेसिव कौन होते हैं, जैसे लड़ाकू, आक्रामक, जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एकदम से, जैसे हाथापाई करने लग जाते हैं जो। इसके बाद है AGILE एजाइल, इसको हम पढ़ते हैं एजाइल, एजाइल मतलब फुर्तीला, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है जो। AGAINST अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या खिलाफ, किसी की इच्छा के खिलाफ या किसी निर्देश के खिलाफ, किसी आज्ञा के खिलाफ। APOLIZE एपोलाइज मीन्स अत्यधिक चिंता करना या दुख महसूस करना, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता हो जाना किसी बारे में। AGO EGO मतलब अतीत काल में, मतलब बहुत पहले जो हो चुका, भूतकाल में, हिस्ट्री में जो जा चुका। AGONY एग्नि, एग्नि क्या होता है, तीव्र पीड़ा या वेदना, बहुत ज़्यादा पीड़ा, कहीं भी मतलब चोट लग जाए या कोई भी बहुत ज़्यादा दुख भरी घटना हो कोई, उससे जो बहुत पीड़ा होती है। AIMLESS एमलेस, एम क्या होता है, लक्ष्य, और एमलेस मतलब लक्ष्यहीन, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, निरुद्देश्य। AIRBORNE एयरबॉर्न मतलब हवा से फैलने वाला रोग,
वो रोग जो हवा से फैल जाता है, मतलब बहुत जल्दी संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं, बहुत जल्दी फैलने वाला। तो आप इन वर्ड मीनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।